रिची मोकू आपको और हमारा फेवरेट। जल्दी बताएं कौन से इंडिकेटर पर आज ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, जल्दी बोले। इशिमोकु सर, इशिमोकु सबका फेवरेट। इशिमोकु क्या किए थे सर? इशिमोकु आज इशिमोकु पकड़ते हैं दोबारा से। एक मिनट मैं अपनी रिकॉर्डिंग हटा देता हूँ, कई सारी रिकॉर्डिंग पीछे आ रखी है तो वो स्टोरेज स्पेस में इश्यू हो रहा है। चलिए आज वापिस इशिमोकु पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमें कौन कौन सी बाय पोजिशन मिल रही है। यस, चलिए वापिस ये देखिए, एक एक स्टॉक मैंने अभी लेके छोड़ा हुआ है अमराजा बैटरी का, आप चेक कर सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर लिया और थोड़ा मैंने छोड़ भी रखा है इसको, ठीक है। और भी थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक कर सकते थे, पर या मैं इसको यहां लगा देता हूं इस जगह पर 755 पर पूरे ही लगा देते हैं, ठीक है। अगर जाएगा तो ठीक है। अब देखिए अमराजा बैटरी मैंने क्यों ले रखा है, इसको रीजन क्या है इसके लेने का, ये बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा यहां पर। अगर आप इसे मंथ में देखते हो तो मंथ में एक सपोर्ट पर बैठा हुआ है, क्लियर है, मंथ में एक सपोर्ट पर बैठा हुआ है ये, आप चेक कर सकते हो। और अगर इसको डे में भी देखते हो तो डे में भी बहुत अच्छे सपोर्ट पर बैठा हुआ है, डे में भी मंथ में भी बहुत अच्छे सपोर्ट पर है ये, देखिए। जस्ट हमें इसके शायद कोई ऑर्डर लगेगा, इसको हटा देते हैं, बाकी काम करते हैं। देखिए आपके पास जो अमराजा बैटरी है ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे बैठा हुआ है, देखिए मंथ का पूरा एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ले रहा है, हालांकि ऊपर से रिजेक्शन लेके आया है ये, पर बहुत ज्यादा उम्मीद है मेरे को कि अभी वापस चला जाएगा। ये देखिए इसका बाय कहां पर बनता है, कोई भी बता दे जरा मेरे को, इसका बाय कहां पर बनता है? पिछले एक रेड कैंडल है सर, थर्ड कैंडल है उसके ऊपर सर, रेड कैंडल के ऊपर ही बनता है, देखिए इसका बाय, यस सर, यहां पर ही। और हम वेट कर रहे हैं, ये अच्छी जगह है जिसके बाय लेने की, देखिए इसने टारगेट भी ले लिया मेरा। और मैंने आपको बोला था पीएनबी लेने के लिए, पीएनबी लेने के लिए मैंने आपको बोला था, देखिए मेरा स्टॉक प्रॉफिट में आ गया है, मैंने आपको बोला था अराउंड 3000 स्टॉक मैंने ले रखे थे और उस समय नेगेटिव पे थे, अराउंड 3000 नेगेटिव पर, अभी ये मेरे पास पॉजिटिव है। मॉर्निंग में मेरे को अंदाजन 3000 रुपए दे रहा था, उसमें से मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, ये देखिए 200 क्वांटिटी मैंने हटा दी है इसमें से और बाकी मेरी अभी चल रही है, मैं इनको हटाने वाला नहीं हूं। आज हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी, जितने भी छोटे भाई जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने छोटी छोटी ट्रेडिंग शुरू करी है, आज हम उनके साथ में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना शुरू करेंगे। छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करेंगे और उसे बाय करके रखेंगे अपने पास और फिर देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है, क्लियर है। जैसे कि आपके पास पहला स्टॉक होगा अमराजा बैटरी, इसको जरा चेक कर लें, अगर ये इससे ऊपर आएगा, अगर इससे ऊपर आएगा तो आप मेरे को बता दीजिए, फिर हम इसको बाय करके रख लेंगे यहां से, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहां से ये इसके ऊपर से अपना बाय देगा और कम से कम यहां कैंडल तक का एक बाय है, इतना भाई आपको मिल रहा है यहां पर, तो आप इसे रख सकते हो। अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे इंडिकेटर बेस पर क्या बोल रहा है, और इंडिकेटर मैं ले रहा हूं इसके लिए, इंडिकेटर मैं ले रहा हूं इशिमोकु, क्लियर है। आज इशिमोकु पे बात करते हैं और देखते हैं कि इशिमोकु हमें क्या बोलता है, क्या मेरे को बाय बोल रहा है, ये मेरे को चेक करता है, ठीक है। सब सारे टाइम फ्रेम में आप चेक कर लीजिए कि आपको बाय मिलता है या नहीं मिलता है, और सबसे जो जरूरी कंडीशन इशिमोकु की है वो मैंने आपको बताया है, 1 आवर का इंट्राडे के लिए 1 आवर का क्रॉसओवर, नीचे से गोल्डन क्रॉसओवर प्लस चीको स्पैन क्रॉसओवर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप चेक करोगे तो अभी क्या ये क्रॉसओवर आ चुका है, बताएं जरा, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, ये देखिए सपोर्ट ले रहा है,
सपोर्ट ले रहा है, मगर ये अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं है। क्लाउड क्या बोल रहा है जरा कौन बताएगा मेरे को? यस क्लाउड क्या बोल रहे हैं? क्लाउड सर फ्लैट है सर, क्लाउड है तो ग्रीन है, ग्रीन है ग्रीन, मगर ये फ्लैट है, कॉन्वर्सेशन ही नहीं है क्लाउड। यस इसका मतलब आपकी, और दूसरी बात इस क्लाउड की अगर मैं मंथली पोजीशन देखता हूँ तो मंथली पोजीशन भी सही नहीं है। देखिए स्पैन ए स्पैन बी नीचे जा रहा है और स्पैन ए ऊपर जा रहा है, मतलब ये मेरे को इश्यू करेगा आने वाले टाइम में। और चूंकि मंथ का टाइम है, मंथ का टाइम बहुत बड़ा है, हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में बात कर सकते हैं। देखते हैं इसको वीक में क्या कर रहा है। यस वीक में क्या दिखाई दे रहा है आपको जरा बताएं? वीक में क्लाउड बनना शुरू हुआ है सर, रेड क्लाउड बन रहा है सर। ठीक है, रेड क्लाउड की फॉर्मेशन है, तो मतलब हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वीक में या मंथ में रेड क्लाउड बन रहा है, ठीक है, मंथ में रेड क्लाउड बन रहा है, तो मतलब मैं अगर डे में बाय करना चाहूँ तो कितने दिन बाय कर सकता है इसको? यस एनीवन, कितने दिन बाय में रख सकता हूँ अगर मैं डे में बाय दूंगा तो, या एक घंटे में बाय लेता हूँ तो? डे में कम से कम 22 डेज। यस सर। और अगर आर में लेता हूँ तो मैं 6 डेज, 6 to 7, कितने दिन बाय में रख सकता हूँ इसको? तो मैं देखने की कोशिश करूंगा क्या हम इस रिस्की बाय को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं, यहां से डे में चेक करते हैं क्या डे में ये अपने हाई को क्रॉस कर रहा है। देखें जरा एक घंटे में भी चेक करें क्या एक घंटे में अपने हाई की तरफ जा रहा है। यस यहां पर चेक करें, यस बताएं हमारा एरिया कौन सा बनेगा जरा बताएं हमारा एरिया। अभी देखिए क्रॉसिंग नहीं दी इसने, ये ध्यान दीजिए ये भी क्रॉसिंग इसने दी नहीं है। इस क्रॉसिंग के बाद ठीक है जो भी कैंडल मेरे को आएगी यहां पर दो तीन चीजें आप चेक कर सकते हैं इस समय कि भले ये बाय है इसमें पैसा नहीं निकला सब हुआ लेकिन इसकी बाय मेरी यहां पर बनती है राइट, या सीधा सीधा बोलिए इसके ऊपर अब अगर यहां से होंगे तो मैं आज आपको जो सीएनसी लेना है वो सिखाऊंगा कि सीएनसी आपको कैसे लेनी है। ठीक है, और हम कितनी कितनी क्वांटिटी से शुरू करेंगे, जितने भी बिगनर्स हैं हम 2-2 क्वांटिटी से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, जहां पर डर ना हो। ऐसी क्वांटिटी उठाइए जहां पर आपको डर के नाम ना हो, बिल्कुल डर ना हो। अब बताइए अगर मैंने बाई चांस इसकी 2 क्वांटिटी उठा ली, 1% मैंने बाय कर लिया 2 क्वांटिटी, मेरे को कितना डर लगेगा मेरे को बताएं? ये मैंने मार्केट में बाय कर लिया और मैंने सीएनसी बाय कर ली है, कितना डर लगेगा मेरे को बताएं? 2 क्वांटिटी के अंदर आई ये आए, अब बताएं मेरे को कितना डर लगना चाहिए इसके अंदर, जल्दी से बोले। यस दोनों क्वांटिटी खाली। अब हम एक स्टॉक हमने ले चुके, अब चूंकि ले चुके तो इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं ले चुका तो इसको 4-5 दिन 8-10 दिन के लिए भूल जाइए। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहां पर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमारा बाय साइड में जा रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं, पहले तो निफ्टी को चेक कर लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। ठीक है, अप साइड पे ही है अभी, दोनों अप साइड पे ही है अभी। लेकिन एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि एक अभी छोटी सी गड़बड़ हो रही है, यस ठीक है, पर कोई नहीं, अभी इशू ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे आने वाला नहीं है अभी। ठीक है, अभी यहां पर सपोर्ट लेने आ रहा है, देखिए। अच्छा, इसका सपोर्ट कहां पर बनता है जरा बताएं, निफ्टी 50 का सपोर्ट कहां पर बन रहा है, जल्दी से बोले कौन बताएगा सपोर्ट कहां बन रहा है इसका? पिछले डे का ही सर, उधर सपोर्ट ले रहा है। एक ही आपके पास यहां पर सपोर्ट है इसका, ठीक है, और एक आपका यहीं पर सपोर्ट है, जान ले रहा है, दो सपोर्ट इसके हैं, तो हम दोनों सपोर्ट पर बात करेंगे। ये देखिए, मतलब अगर अभी निफ्टी को बाय करना चाहते हैं तो बाय के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है इसका। मुहूर्त कहां पर मिलेगा आप लोगों को? यहां पर कन्वर्जन लाइन तक आने का सर, उधर से यहां पर मुहूर्त मिलेगा, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, हल्का सा नीचे आ सकता है मार्केट। अब हम ये देखिए हमने ले लिया है, अब मेरी बात एक ध्यान से समझे, मैंने कितनी क्वांटिटी उठाई है? 2। देखिए 2 क्वांटिटी उठाई है। अब इसमें क्वांटिटी हमेशा इतनी रखिए कि आप दो काम कर सके। पहला काम क्या? यस पहला काम क्या बताएं? पहला काम आपके पास अमाउंट परफेक्ट हो, राइट?
अमाउंट पूरा हो जिससे आप इस क्वांटिटी को होल्ड कर सके, और अमाउंट कितना होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी यहां पर खरीदी, जितनी क्वांटिटी यहां पर खरीदी उससे कम से कम तीन गुना आपका अमाउंट इस स्टॉक के लिए आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? जितना भी मैंने दो क्वांटिटी खरीदी ना, तो मेरे पास कम से कम तीन गुना इससे पैसा इसमें होना चाहिए इसके लिए। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने यहां पर देखिए रैंडम बाय किया, अब अगर ये नीचे आ जाएगा तो कम से कम 10 पॉइंट नीचे या 15 पॉइंट नीचे मेरे को इसे एवरेज करना पड़ेगा, और इतनी क्वांटिटी कम से कम लेनी पड़ेगी जितनी ये है, तो कम से कम दो तो लेनी पड़ेगी। तरीके से मेरे को कितनी लेनी चाहिए, चार, डबल, जिससे मेरा एवरेज नीचे आ जाए। लेकिन फिर भी आप यहां पर दो क्वांटिटी कम से कम लेंगे तो आपको क्या हुआ, आपका दो क्वांटिटी यहां पर चाहिए, और गलती से और एवरेज करना पड़ गया तो दो क्वांटिटी और, मतलब टोटल कम से कम छह क्वांटिटी आपको यहां पर चाहिए होगी किसकी, तो उतनी क्वांटिटी बाय करें कि आप उसका तीन गुना नीचे से ले सके, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज इसमें क्या होना चाहिए, दूसरा पॉइंट, इसमें आपके पास इतना स्टॉक लो जिससे आपको डर ना हो। डर नहीं का मतलब आपको लगता है ठीक है कोई इशू नहीं आएगा, एवरेज कर लूंगा, पैसा पड़ा है मेरे पास। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, जब कभी भी किसी स्टॉक को लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब देखिए क्योंकि स्टॉक अक्सर क्या करता है, स्टॉक की टेंडेंसी होती है, और टेंडेंसी क्या होती है स्टॉक की, किसी का माइक चल रहा है, शायद आशीष जी का चल रहा है, नहीं आशीष जी का नहीं, गौरव जी का चल रहा है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, मार्केट कभी भी, एक बात बहुत खास ध्यान रखना कि मार्केट को अगर इससे ऊपर जाना है, मार्केट को इससे ऊपर जाना है, तो ऐसा एकदम से नहीं होता कि सीधा ऊपर गया और ऊपर चलना शुरू हो गया। मार्केट यहां पर एक दो दिन बिताएगा, क्यों दिनेश जी होता है ऐसे, मार्केट यहां पर एक दो दिन बिताएगा तब जाके ऊपर चलेगा। तो मतलब इसे दो तीन चार दिन का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा यहां पर। इसलिए जहां जिस पोजीशन पे आपने स्टॉक को खरीदा है उस पोजीशन पे थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट को, दो तीन चार दिन पांच दिन उसको देखिए, तब जाके अपना बायस है डिसाइड कीजिए कि मेरे को रहना है उसमें या नहीं रहना है। कम से कम चार से पांच दिन दे दीजिए, ठीक है। हमने एक पोजीशन था सर यहाँ से मेरा, हाँ जी, कि हमने सर जो इंटरडे के लिए वन आवर की स्ट्रेटेजी बात की थी दो तीन दिन पहले, कि हम अपना हाई ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देंगे जब भी कोई कैंडल ब्रेक करेगी प्रीवियस कैंडल के लो को, ठीक है। तो सर इस सीन में जैसे ये रेड कैंडल बन रही है 24 तारीख को बनी, उसके बाद फिर ये 25 तारीख के आसपास ग्रीन हो गई बननी, बिल्कुल उसी को शुरू करते हैं। ये देखिए आप बताइए, इस समय मैं वन आवर की कैंडल ले रहा हूँ, वन आर की कैंडल। अब इस समय बताइए आपके पास जो होगा, यहाँ पर दो तरीके हैं, वे मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए एक एमवेज ये बनी, पहले हाई स्ट्रेंथ ये सारा, ये देखिए ब्रेक हो गया, ठीक है, तो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, लो ये बना था, ये लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ तो मेरा हाई समय यहाँ शिफ्ट हो रहा था, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक हो रखा है, तो आप अपना हाई कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इस पर या इस पर, वो आपकी मर्जी है। दो थ्योरी चलती है, या तो आप इस पर अपना हाई रखेंगे या इस जो इस कैंडल ने ब्रेक किया उसके ऊपर रखेंगे, दोनों में से कोई भी हाई आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। सर करंट पोजीशन में जैसे जैसे ये 25 तारीख के आसपास का जैसे ये कैंडल नीचे आ रही थी ब्रेक करते हुए, हाँ जी, तो ये मतलब लास्ट ये जो रेड कैंडल एक बनी हुई है सर, नहीं आपका देखिए, नहीं इसमें जोन ये बैठा हुआ है पूरा जोन देखिए, राइट, हाँ जी हाँ जी, और इसका लो मेरे पास ये है, हाँ, इसलिए ये ब्रेक नहीं होना नहीं, इन्वर्टर ड्रैगन बॉल बना रहे हैं सर ये, नहीं यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि ये नीचे आ गया तो इसको कर दिया शिफ्ट, एक बड़ा, क्योंकि एक घंटे का टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं तो एक घंटे के हिसाब से ही चलेंगे, एक घंटे का आखिरी लो इसका ये बना है, राइट, हाँ जी हाँ जी, मतलब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा नीचे तब तक मैं इसके हाई को शिफ्ट नहीं करूंगा। अभी फिलहाल मेरा हाई एक जगह पर है, दो थ्योरी के हिसाब से एक हाई मेरा ये है और एक हाई ये है, क्योंकि ये रेड कैंडल काफी बड़ी बनी इस वजह से मतलब हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हम मर्जी है आपकी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो प्राइमरी हाई बनेगा वो आपका यहाँ का ही बन जाएगा। अब आपने देखा इस समय यहाँ पर ये बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस, ये सारे जोन है ये जोन में बैठा हुआ है ना सर, ये जोन में ही घूम रहे हैं मार्केट, इससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, मैंने पीछे नहीं देखा,
मार्केट इतने ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, मैंने पीछे नहीं देखा, ना कोई पिवोट देखे ना कुछ देखा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर से देखिए मार्केट जो है दिक्कत कर रहा है। कुछ तो है यहाँ पर, कोई जोन तो है जिसकी वजह से जो मार्केट है ऊपर नहीं जा पा रहा है। आप चेक कीजिए, जब पिछली बार इस जगह से ऊपर नहीं गया रही, पिछली बार यहाँ से मतलब नीचे नहीं आया, देखिए ये तो था जोन ये लगा नहीं। हाँ, यहाँ पे करंट के लिए सपोर्ट है और अभी फिलहाल के लिए ये जोन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इससे ऊपर निकल जाएगा ठीक है, और अच्छा बना दीजिए इसे, और अच्छा बना दीजिए, ये बना दीजिए जो अभी तक का बन गया है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर जैसे इससे ऊपर चलता है तो आपको कोई बाय देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और बाय भी हम किस वजह से ले रहे हैं कि इसका वीक का एक सपोर्ट आ रहा है। अब जरा बताइए वीक का बाय कहाँ पर बनता है, हालांकि इसमें बाय निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, पर इसका बाय कहाँ पर बनता है, लगभग यहाँ पर ऊपर राइट। अगर आप इसे डे में देखते हैं तो डे में इसका एक बहुत अच्छा बाय निकल के आ रहा है, अगर ये जाता है ऊपर तो जाएगा ऊपर तो ठीक है। चलिए अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं और देखते हैं कोई और स्टॉक आपकी नजर में, कोई और स्टॉक को आपने देखा हो तो मेरे को बताएं जल्दी से। जल्दी से बोले। अवध शुगर देखिए सर। एक मिनट आने दीजिए। कौन सा बोल रहे हैं? अवध शुगर आता है, उत्तम शुगर है सर। चलिए आवाज शुगर के केस में चलते हैं, देखते हैं शुगर क्या कर रही है ठीक है। शुगर एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है राइट, लेकिन है बाय, रेजिस्टेंस के पास में बैठा है मगर है बाय। अब आपको केवल क्या करना है इसमें का केवल और केवल आपको ये वेट करना है, क्योंकि देखिए कन्वर्जन लाइन सॉरी चिकू स्पैन जो है वो आपका कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करके कैंडल से भी ऊपर आ रखी है, तो मतलब ये आपका क्लियर कट एक बाय बनता है, क्लियर कट एक बाय बनता है। लेकिन अब आपका बाय इसमें बनेगा कब, कोई बताएगा बनेगा कब? कम से कम इसके ऊपर ना, जब मेरे को रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलेगा तब मेरे को कोई बाय मिलेगा। ये देखो बना हुआ टाइम फ्रेम में या वनडे में पर देखें, वन वीक में देखिए, वीक में अच्छा बताइए इसी मोगू के हिसाब से वीक में बाय है या सेल है ये बताए। बाय है सर, बाय है, क्लियर कट बाय है। ये देखिए अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये चिकू स्पैन बहुत डिस्टेंस पर है, तो अभी तो सारा बाय है। चलिए डे में भी चेक कर लेते हैं, डे में क्या आपको सेलिंग दिख रही है कहीं बताएं? नहीं सर, बाय में है सर। ये देखिए स्पैन है ऊपर, स्पैन ऊपर ठीक है, ये आपका दोनों फ्लैट हो रखी है, मतलब इसको जरा सा ऊपर चलने दीजिए तो आप बाय ले, इसके ऊपर आपकी बाय बनती है और ये आपका अच्छा खासा बाय ले। अभी आपका थोड़ी देर में इसकी बाय आ सकती है, एक अच्छी बाय आपको इसके ऊपर ही देखने को मिल सकती है ठीक है। ये देखिए आप वेट कीजिए, अभी मार्केट देखिए हल्का सा नीचे चल रहा है, ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहां तक आ जाए, लेकिन आपको बाय कब करनी चाहिए, आपको बाय इसके ऊपर ही होगी, एक दो कैंडल 5-10 मिनट के ऊपर रुक जाने दीजिए। ये देखिए माइक को बंद करने, किसी का माइक चल रहा है ठीक है। ये ध्यान रखें एक दो कैंडल इसके ऊपर रुक जाने दीजिए तो आप बाय लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा जरा मेरे को बताइए, ये बताइए कि 5 मिनट में आपको ये सही बाय दे रहा है, जल्दी से बोले क्या 5 मिनट में सही बाय दे रहा है आपको? यस या नो? नो सर, दोनों फ्लैट है सर, तीन फ्लैट है, इनको जरा सा ऊपर जाने दीजिए, हालांकि बाय है, देखिए सब कुछ बाय में है, एक घंटा भी बाय में है, 5 मिनट ये एक दिन भी बाय में है, सब बाय में है, लेकिन बाय का उसके बाद भी एक लेवल होता है, मतलब सारा कुछ आने के बाद भी एक लेवल होता है। सारे इंडिकेटर आपको बाय दे रहे हैं, सारे ऑसिलेटर आपको बाय दे रहे हैं, सारा प्राइस एक्शन आपको बाय दे रहा है, उसके बाद भी एक बाय होता है, उसके बाद भी एक पॉइंट होता है ठीक है। तो आप क्या करें, इसके ऊपर मार्केट को रुक जाने दें, जैसे इसके ऊपर मार्केट रुकता है तो यहां से आप अपना बाय शुरू करें। आपको एक अच्छा ऊपर थोड़ा आर्डर लगा के रख सकते हैं सर, थोड़ा 2-3 पॉइंट ओवर देके इसके ऊपर यहां पर ऊपर लगा दीजिए, आपका 589 अंदाजन 500 पर है, तो मतलब अगर इस पर आप लेते हैं तो आप इसको 500 पर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए। ये देखिए बाय ऊपर जाना है तो सिंग हो जाएगा सर, आर्डर लेने का भी नहीं होता है, सडनली झटके से मरेगा वो।
झटके से ही मारता है वो, झटके से ही मारता है। चलिए देखिए, मैं होल्डिंग डाल डाल के छुड़ा के दिखा रहा हूँ आपको कि होल्डिंग पे आप लोग कैसे चलेंगे। 501 501 इतनी क्वांटिटी डालिए कि आपको डर ना लगे, समझिए जरा, इतनी क्वांटिटी डालिए आपको डर ना लगे। ये देखिए छोड़ दिया, देख लेते हैं हमारा ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए अवध शुगर भी मैंने डाल दिया है और सिल्वर भी डाल दिया, कितनी क्वांटिटी, दो दो सिल्वर नहीं है। एक ऑर्डर हमारा कौन सा था वो, अच्छा वो तो हमने ले लिया था, ठीक है ये हमने लेके रखा हुआ है। देखिए अब रखा हुआ मैंने पूरा और मैं इसको आराम से रख रहा हूं, मैं इसकी होल्डिंग बना रहा हूं। अब मैं छोटी छोटी होल्डिंग बना रहा हूं जिससे आप लोगों को डर ना हो। अब आपको इसमें एक चीज और समझे, आपको लगेगा इतना बहुत कम, इतना कम छोटा क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं आप। सर MIS करके हम लोग CNC कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, MIS, इसको MIS करिए और उसके बाद आखिरी में 3:30 बजे अगर प्रॉफिट ना मिले, लॉस, अगर हम लोग नहीं उसको सेल कर रहे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, क्या करना पड़ेगा? नहीं अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है, अच्छा ये है कि आप ये दो दो क्वांटिटी जो है, दो दो क्वांटिटी अगर छोटी छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं, इनको सीधा CNC में ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अक्सर दिक्कत क्या होती है, लोग भूल जाते हैं। MIS लिया, मेरे साथ भी कई बार हुआ, एक बार तो मेरे को कितने 4,000 का लॉस केवल इसलिए पड़ा क्योंकि मैं उसको MIS से CNC कन्वर्ट करना भूल गया और वो सिल्वर ही था, सिल्वर की 4-5 क्वांटिटी मैंने ले रखी थी और MIS में थी, मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया CNC में और वो स्क्वायर ऑफ हो गई 11:15 बजे और मेरे को इतने का नुकसान देके चला गया। और जबकि नेक्स्ट फिर तो हमें ऐसे स्टॉक लेने ही है, CNC में चाहिए। हाँ जी, मतलब अगले दिन मेरे को उसमें अंदाजन 10,000 का प्रॉफिट होता, मैंने इसीलिए रखा था कि अगले दिन मेरे को प्रॉफिट है पर मैं भूल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्टॉक आपको लगते हैं कि नहीं वो स्टॉक मेरे CNC में चाहिए मेरे को, और आपके पास अगर पैसा पड़ा है और क्वांटिटी कम है तो उसको आप CNC में ही लेके छोड़िए। अब देखिए मैंने इसको CNC में उठा के छोड़ा है, यहां पर देखिए ऑर्डर में इसको भी मैंने CNC में डाल दिया। MIS डाल सकता था कि MIS ऑर्डर डाल दे, मगर नहीं डाल दे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टॉक हुआ। अब हम और स्टॉक देख रहे हैं क्योंकि मार्केट बुलिश। शुगर देखिए सर सेम है, उत्तम शुगर, उत्तम शुगर भी देख लेते हैं, पर हम एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक पकड़ेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक सारे हम, मैंने आपको पिवोट पॉइंट बताए थे कि अच्छा इसका सपोर्ट बताइए, सपोर्ट कहां पर था, सबने मेरे साथ पढ़ा है सपोर्ट, यस, अब बताइए अभी इसका लेटेस्ट सपोर्ट कहां पर था। अगर मैं शुगर की बात करता हूं तो ये शुगर का लेटेस्ट सपोर्ट यहां पर था ना, ये इसका है राइट, और उसी सपोर्ट का भी ये ऊपर निकला हुआ है। तो अब इसका टारगेट क्या है, अब इसका सीधा सीधा टारगेट यहां पर है, और ये कितना आता है टारगेट, यहां पर लगा लीजिए अंदाजन 450 का है, अराउंड 450 के आसपास इसका टारगेट अब बनता है। यहां पर चेक कीजिए, अगर मैं इसे डे में देख रहा हूं तो देखिए आज डे में एक अच्छा लंबा छलांग इसने मारा है 219 से। और एक बात और ध्यान रखिए, पता है एक बात और आपको बताता हूं यहां पर ही काम की रहेगी कि यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी इस ऐसे लेवल को ब्रेक करता है ना स्टॉक, तो बहुत तेजी से ब्रेक करता है। ब्रेक करने के 3-4 तरीके हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताए, मैं दोबारा बता देता हूं 3-4 तरीके कौन कौन से हैं जब किसी लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक। देखिए एक तरीका ये होता है कि जैसे इसने सीधा ब्रेक किया, मैं मंथ की बात कर रहा हूं, सपोज मंथ को कैसे ब्रेक करेगा, ये सीधा ब्रेक कर जाएगा, या और छोटे टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं शायद अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको डे पे देखता हूं, ये देखिए मार्केट कैसे ब्रेक करता है। मार्केट या तो एक तरीका ये होता है कि सीधा लंबी लंबी कैंडल मार के ब्रेक कर जाता है किसी लेवल को, ठीक है, या फिर दूसरा मार्केट क्या करता है, इस जगह पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर रुका रहेगा, यही घूमता रहेगा, एक बार नीचे फिर रुकेगा, फिर नीचे फिर रुकेगा और फिर धीरे धीरे करता हुआ तब ऊपर चलेगा, ये तरीका होता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब और तरीके क्या होते हैं, मार्केट क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेशन शुरू करेगा। मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूं आपको मार्केट के, एक किसी सपोर्ट को तोड़ने के क्या तरीके होते हैं। पहले वो क्या करेगा, एक कैंडल बनाएगा ग्रीन और वो कैंडल कहां तक होगी, यहां तक बस, या ऐसा भी नहीं होगा,
ठीक है, और पास में कर दीजिए इसे। वो पहले क्या करेगा, पहले कैंडल बनाएगा मार्केट, और कैसी कैंडल बनाएगा, केवल यहां तक की नीचे। फिर क्या होगा, एक कैंडल वो ऊपर की तरफ लेगा लेकिन विक के साथ लेगा, विक बनाएगा, मतलब विक बना के आपको लगेगा रिजेक्शन ले रहा है, मगर वो एक्सेप्टेंस ले रहा होगा। क्या होगा, फिर आपके पास एक और विक यहां पर बनाने की कोशिश करेगा ऐसे करके, मतलब विक फॉर्म में चलेगा ऊपर, और फिर क्या करेगा वो एक और बड़ी कैंडल मारेगा यहां से यहां तक। जैसे देखिए यहां पर क्या हुआ, विक मारी, मारी इसने विक, क्या बोलते क्यों दिनेश जी, पहले क्या किया इसने, विक लगाई नहीं यहां पर, आदमी क्या सोचेगा यहां पर इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या किया इसने, अगली बार देखिए यहां पर चला गया, पूरा एक बारी में ही इसने क्रॉस कर दिया। तो अलग अलग तरीके हैं, मतलब पेनिट्रेट करना शुरू करेगा ये, पहला यहां तक, दूसरी बार यहां तक, तीसरी बार यहां तक, फिर फोर्थ या फिफ्थ टाइम में इसको क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ही जब कोई लेवल ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो कैसे होता है, ठीक है, यहां से आएगा पहले, या तो इतने तक आएगा बस मार्केट, फिर और पेनिट्रेट करेगा, फिर दो तीन कैंडल में और करेगा, और फिर ब्रेक कर जाएगा, ये तरीका होता है। या फिर आपके पास यहीं तक ही मार्केट रहेगा, ठीक है, उसके बाद यहां पर छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, इसके अंदर छोटी छोटी यहीं घूमता रहेगा मार्केट, और उसके बाद इसको ब्रेक कर जाएगा, ये तरीका होता है, ठीक है। या फिर एक तरीका और होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, जहां पर आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, दो तीन बार करेगा ऐसे, और उसके बाद ये इसको ब्रेक कर देगा। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप किसी मार्केट को जज कर सकते हैं, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो लेवल है वो ब्रेक होता है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, कहीं पर भी ब्रेक हुआ होगा तो किस चीज के लिए, ठीक है, कोई लेवल होगा तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये लेवल, कोई भी लेवल कितने कैसे ब्रेक होता है, एक मिनट मंथ में ही चेक कीजिए, चलिए इसे, ठीक है, मंथ में ही आप देखें कोई लेवल कैसे ब्रेक होता है, आने दीजिए एक मिनट से, एकदम से ब्रेक नहीं होता, ये मैंने बताया ना, एकदम से ब्रेक नहीं होता। अब देखिए क्या हुआ, पहली बार मार्केट यहां तक गिरा, उसके बाद इसने यहां पर क्या किया बताएं, यहां इस जगह पर क्या किया, देख रहे हैं। अब यहां पर दो चीजें और आ जाती हैं, वो भी आपके काम की रहेंगी, मैं बता देता हूं। पहला आपके पास है, देखिए पहली कैंडल इसने ऊपर मारी, उसके बाद नीचे डाउनफॉल शुरू किया, और दूसरा तरीका पहली कैंडल यहां तक रहेगी और फिर अब शुरू होगा। यस, कौन सा वाला बेटर है बाय के लिए, पहला वाला कि दूसरा वाला, ये बताएं। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला बेस्ट है। अगर आपको पहली कैंडल ऊपर दिखी और उसके बाद नीचे कैंडल आ रही है तो ये गलत है, और अगर आपको पहले नीचे मिल रहा है और उसके बाद पेनिट्रेट करके ऊपर जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है, राइट। दूसरी बात, जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अक्सर क्या करता है, मार्केट एकदम से ऊपर नहीं चलता, मार्केट कैसे चलेगा, यहां से ऊपर जाएगा और यहां पर रुका रहेगा और फिर अपने हाई को ब्रेक करता है। तो जैसे ही हाई को ब्रेक करें फिर आप बाय लें, ये सिंपल सा मेथड होता है। तो इस अवध ये जो शुगर है इसमें क्या हुआ, पहली बार इसने पेनिट्रेट किया, दूसरी बार पेनिट्रेट किया, और दोनों का पेनिट्रेशन का लेवल जरा चेक कीजिए। यस, कौन दिखाएगा मेरे को पेनिट्रेशन का लेवल क्या है, देखिए पहली बार पेनिट्रेट किया इसने इतना, क्लियर है, और उसके बाद डाउन में देखिए, सारा डाउन में। अब की बार जो पेनिट्रेशन था वो कैसा था, देखिए इसने दो कैंडल मारी ऊपर, पहली बार कितनी कैंडल थी, वन, इस बार कितनी कैंडल मारी, दो, और अगली बार क्या किया इसने, मैक्सिमम टाइम कितना है इसका किसी लेवल को हर्ट करने का, किसी लेवल को पेनिट्रेट करने का, कितना कितना इसका नंबर ऑफ लेवल, नंबर ऑफ टाइम्स है, थ्री टाइम्स, ठीक है। मतलब हम ये मानते हैं कि एक बार ब्रेक नहीं हुआ, दूसरी बार ब्रेक नहीं हुआ, तीसरी बार ब्रेक नहीं हुआ, फोर टाइम तो ब्रेक हो ही जाएगा सर। एक टाइम वो जोन में आने के लिए 10 साल लगा है, पर बाद में 4 साल में ब्रेक कर दिया। यही चीज है, यही चीज, यही तो हमें सीखनी है। पता है दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं आज ही हमें सारा पैसा मिल जाए, क्यों, मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता था, कोई नई बात नहीं है। आज से अगर 4 साल पहले मेरे को बोलते थे मैं भी ये सोचता था सारा पैसा आज ही मिल जाए, कल का कुछ ना बचे, कल और हो, आज लाखों रुपए आ जाए, कल फिर करोड़ों रुपया, मिला क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि मार्केट को समझा किसने, क्यों,
मार्केट को समझ की समझेंगे तो हमें पैसा देगा, मार्केट पैसा नहीं दे सकता हमें ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, कोई वो एड आता है ना, एड देखा आप लोगों ने, मैंने उसमें टीवी पे एड आता है, वो हलवा नहीं है स्टॉक मार्केट कोई भी खा जाए, इसके लिए समझ जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां से इतने साल बाद 2006 से उसके बाद 2017 कितना हो गया अंदाजन 11 साल बाद यहां पर आया, उसके बाद दोबारा से यह देखिए 2017 से 2021 चार साल इसने लिए, तो मतलब 14 साल बाद ये यहां पर ब्रेक कर रहा है, तो आपको लगता है कि ऐसे ही छोड़ देगा इसको? यह जल्दी से बताए कि ऐसे ही छोड़ देगा 14 साल बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो? इसका लेवल है ये आने का, अब इसको बाय कब करेंगे इसको समझिए। अभी इसने रिट्रेस किया है, जरा इसको समझिए, इसने रिट्रेस किया है ये रहा, देखिए ऊपर ब्रेक किया है, क्या इसने वापस अपना ये वापस आया एक बार भी यहां सपोर्ट लेने आएगा ना? राइट यार, एनवे बनाएगा, नहीं आएगा 100% आएगा, एनवे बनाने के लिए नीचे जरूर आएगा। ये देखिए चल रहे शुरू हो गया हुआ, देखिए ये देखिए सपोर्ट लिया इसने, ठीक है यहीं पर रुका रहा, मैंने बोला ना देखिए पेनिट्रेशन का अपना लेवल होता है, यहां पर देखिए क्या किया, यहां पर पहले यहां तक गया, फिर देखिए ये सब करता रहा ये, उसके बाद बाहर निकला फिर करता रहा, अब ये तेजी लाएगा अपने में, लेकिन कब लाना चाहिए, आपको बाय कब करनी चाहिए इसकी, आपकी बाय यहां कहीं पर बनती है, एक बार आ जाने दीजिए इसे, और फिर अगर ऊपर चलेगा तो अपनी बाय डालिए, चाहे तो ट्रेंड लाइन पर डाल लें चाहे कैसे भी डाल लें। ये देखिए अच्छा एक चीज मैंने कहा, एक और चीज बता दीजिए, इसकी क्या सेलिंग आ गई है 5 मिनट के हिसाब से भी, जल्दी बताए? नहीं सर, किसके नीचे आएगी, इसके नीचे राइट, बड़े कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे सर, लेकिन इसके दो सपोर्ट आप मेरे को मिल रहे हैं 5 मिनट में, और बहुत अच्छे सपोर्ट है, पहला सपोर्ट ये रहा है राइट क्लियर, और एक ही सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट भी नहीं है, यही सपोर्ट, इसका मतलब ये जो मार्केट है ये थोड़ी देर में यहां तक आ सकता है, यहां से उठेगा, रूल के अकॉर्डिंग यहां से उठना चाहिए इसको, और अगर वहां से नहीं उठा किसी रीजन से मार्केट, तो दूसरी बार मार्केट को यहां से उठना चाहिए, मैं इसे हटा देता हूं और दूसरा बना देता हूं, ये मार्केट का सपोर्ट है। अगर कौन सा शुगर है ये, उत्तम शुगर, अगर उत्तम शुगर की बात करते हैं ये, तो हमारे पास दो जगह बनती है इसकी बाय की, चूंकि ये काफी 15-16 साल बाद ऊपर आया है, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं गिरेगा एकदम से, नीचे नहीं गिरने का मतलब अभी अपना सपोर्ट पकड़ेगा यहां से या तो यहां से, दो जगह से सपोर्ट पकड़ के चलेगा। ठीक है, इसको भी आप रख सकते हैं, बायर सेलर से चेक कर लीजिए, 89.95 ठीक है कोई इशू नहीं है, पर इसको अगर बाय करेंगे तो यहां से करिए। ठीक है, इसको हम बाय के लिए लगा देते हैं, और मैं थोड़ा और नीचे से इसको लेने की कोशिश करूंगा 212 के आसपास, देखते हैं अगर 212 मेरे को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके मैं 5 क्वांटिटी ले लेता हूं यहां पर से 212 पर, देखते हैं 212 इसका सर्किट होगा तभी तो लेगा। ठीक है, देख लेते हैं लगा कि नहीं लगा, ये अवध शुगर उत्तम शुगर दोनों लगा दिए मैंने, अब देखिए दोनों को मैंने अलग अलग प्लेस में लगाया है, एक मिनट अवध शुगर को एक बार और, अवध शुगर को एक बार और देख लेते हैं जरा, मेरे को लगता है इसमें और कुछ भी एनालिसिस हो सकता था। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, सब हटा देते हैं, और जरा आप चेक कीजिए अवध शुगर में यहां पर क्या हो रहा है। यस, इसका भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, क्योंकि हमने एक देखा दूसरा वाला कम देखा, कम हमने एनालाइज किया दूसरे को, यह भी गलती होती है, देखिए बता दो ये भी हमारी गलती होती है जब हम कम एनालाइज करते हैं, मेरे को अभी इस लेवल पर कोई बाय चाहिए, मतलब इस लेवल पे मार्केट एक बार जरूर आएगा यहां पर। ठीक है, और ये कहां पर है आपके पास, एक घंटे में जाके देखता हूं, तो मेरे पास दो मेरे को हाई मिल रहे हैं, एक घंटे का हाई मेरे को कहां पर मिल रहा है, ये मिल रहा है ऊपर, ये है, इसको हटा देते हैं, यहीं से ले लेते, ये एक हाई है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा मेरे को थोड़ा सा नीचे मिल जाइए, इसको कैंसिल करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, क्योंकि ये इसने कितने साल बाद ब्रेक किया जरा मेरे को बता दें। यस एनीवन, कितने साल का इसका वो है स्टैंड, जब गिरा था, ठीक है जब गिरा था एक बार इसने 2019 में ट्राई किया और उसके बाद 2021 में ट्राई किया राइट,
तो मतलब मेरा जो बाय होना चाहिए, मेरा इसके आसपास का कोई बाय होना चाहिए या तो 384 का, और अगर मैं इसको डे का सपोर्ट देखता हूँ तो डे का सपोर्ट मेरे को कहाँ पर मिल रहा है जल्दी से बताएं। डे का सपोर्ट मेरे को यहाँ पर मिल रहा है 395 का, ये जगह है इसकी आने की। और मैं छोटा टाइम फ्रेम देखता हूँ 1 घंटे का, तो 1 घंटे का मेरे को सपोर्ट कहाँ पर मिलता है, लगभग यहाँ पर 394 पर। और अवध शुगर का जरा मेरे को बताइए कि इसका लोअर सर्किट क्या है, अवध शुगर का लोअर सर्किट क्या बना हुआ है, 362 राइट है। और एक बात का ध्यान रखना, जो शुगर होती है वो बड़ी तेजी से स्टॉक नीचे गिरते हैं, जब गिरते हैं तो बड़ी तेजी से गिरते हैं, तो अंदाजन 394 395 पर मैं इसको बाय लगाता हूं। देखिए मेरा जो बाय रहेगा ऊपर से हटाने के बजाय यहां पर 5 क्वांटिटी ले लेते 395 पर, ठीक है यहां पर। और अच्छा है कि आप इसको ऐसे ना लगाएं, कैसे लगाएं, यस कोई बताएगा मेरे को कैसे लगाएं, जल्दी से बोले कैसे लगाएं, जीटीडी राइट 395 पर जीटीडी लगा के छोड़े इसका। सर ये क्या होता है जीटीडी? देखो अभी इश्यू क्या होता है मैं बता देता हूं इसको। देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर मैंने ऑर्डर में लगाया है, देखिए ऑर्डर लगाया है मैंने उत्तम शुगर का लगाया ना ऑर्डर, उत्तम शुगर कहां पर लगाया 212 पर, ठीक है। अब ये कब तक रहेगा, ये ऑर्डर कब तक रहेगा बताएं, 3:15 तक राइट, आज आज केवल 3:15 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा ये, उसके बाद अपने आप ऑटो कैंसिल हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि कभी भी जिस टाइम पर भी, ठीक है, मार्केट यहां पर आए 395 पर तो अपने आप ले ले, अपने आप ये क्वांटिटी बाय कर ले, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जीटीडी गुड टिल टुडे, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। ये मैंने प्लेस कर दिया, देखिए ये देखिए ऑर्डर में जीटीडी में आ गया ये रहा है। पीएनबी कितना है देखिए, पीएनबी मैंने यहां पर लगा रखी है अराउंड 42.75 पे, ये 44 पे देखिए मेरा एक एक्टिव पड़ा है। जब कभी भी पीएनबी 44 पे जाएगा तो मेरे को आराम से मेरा एक ये ऑर्डर निकाल देगा। देखिए पीएनबी सेलिंग लगा रखा है 43.2 पर और 44 पर, ये दो सेलिंग मैंने लगा के छोड़ी दी है। अगर हम दूसरा कौन सा था, उत्तम शुगर, उत्तम शुगर का हमने ऑर्डर कहां पर डाल रखा है बताएं, यस उत्तम शुगर का ऑर्डर कहां पर डाल रखा है हमने, ऑर्डर में जाके देखे उत्तम शुगर हमने 212 पे डाल रखा है, इसको यहां से कैंसिल करें, ठीक है, और यहां से उत्तम शुगर को जाए, उत्तम शुगर और 212 पर यहां से इसका जीटीडी डालें, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। 212 पे देखिए मैं 212 पे 212 पे मैंने यहां पर 5 क्वांटिटी डाल दी बाय, हो गया। अब देखते हैं क्या मेरे जीटीडी ऑर्डर डल गए हैं। देखिए उत्तम शुगर 212 पे डाला हुआ है, अवध शुगर 395 पे डाला हुआ है और अभी चल रहा है 488, और ये बहुत तेजी से नीचे आता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको टाइम पर उठाएं। ये देखिए अभी हम राजा बैठे चल रहा है और मैंने इसको हटाया नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, बुढ़िया बुढ़िया, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया नहीं है, देखिए सिल्वर देखिए प्लस में आ गया। अच्छा एक बार सिल्वर को भी देख लीजिए, ये भी आपके काम का ही है, इसमें भी आप ट्रेड करते रहते हैं। सिल्वर को जरा चेक कीजिए कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, जरा मेरे को बताएं सिल्वर की बाय कब आएगी, जरा बताएं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है सिल्वर बैठा हुआ, सिल्वर की बाय कब है बस ये बता दीजिए मेरे को। पीछे एनवे के ऊपर सर, एनवे का कहां बन रही है, बहुत प्यारा बाय आएगा इसका सिल्वर का, और आप आराम से बाय उठा के रख सकते हैं, बहुत प्यार से बाय उठा के रख सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट आपको देके जाएगा, ये देखिए राइट सर। मतलब कितनी बार ये ट्राई कर चुका है यहां पर, इसको चेक कीजिए, लेकिन नीचे मत लीजिएगा, नीचे मत लेना, ठीक है। क्या होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर आपको मिल जाएगी, और इसके ऊपर आपको अच्छा खासा एक हाई है, अच्छा खासा हाई आपको देके जाएगा यहां पर। और इसी को अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोलते हैं जरा ये भी बता दें, कौन बताएगा, यस क्या देखने को मिल रहा है क्लाउड बेस पर,
बायर सेलर गुड़िया बायर सर बताएंगे मुझे क्या देखने को मिल रहा है भाई ये कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट ले रहा है पर क्लाउड के हिसाब से क्या बाय आ गई हाँ क्लाउड के हिसाब से अभी तक नहीं आया इधर डे में चेक करिए डे में क्या ये बाय में जा रहा है ना समझिए डे में बाय में नहीं जा रहा है इसका मतलब मेरे को इसे कहाँ पर निकाल देना चाहिए यहाँ पर ना कहीं पर समझिए और ये कौन सी दिन बता रहा है आपको बाय कहाँ पर बता रहे हैं असल में बाय असल में इसकी बन रही है इसके ऊपर जो लोअर क्लाउड दिख रहा है आपको ये बना बॉटम इसके ऊपर अगर मार्केट रुकेगा तो आपको बाय देगा असल में मतलब ये है मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए इसको अगर आपको पैसे दे रहा है ठीक ठाक तो आपको हटा देना चाहिए अभी से क्योंकि एक बार और नीचे मिलेगा आपको मैं अंदाजन इसको लगाता हूँ यहाँ पर एग्जिट करते हैं और 500 पर 450 पे एग्जिट करते हैं ठीक है 450 अगर जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा इसको यहां से मैं हटा देता हूँ ये मैं कैंसिल कर देता हूँ ठीक है ये मैंने हटा दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा हम हटा देंगे क्योंकि हम इसको नहीं रखने वाले अभी मार्केट नीचे गिर सकता है ये वाला ये बात लेकिन अगर बाय आ सकता है एक घंटे के हिसाब से बड़ा अच्छा बाय मिल रहा है मेरे को तो अगर सब कुछ ठीक रहा ये देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा और मार्केट इसके ऊपर रुका तो आपको यहां पर वन डे के हिसाब से मेरा मार्केट यहां रुक जाना चाहिए अगर मैं वन डे की बात करता हूं तो मेरा मार्केट इसके ऊपर रुक जाना चाहिए इसके ऊपर अगर रुकेगा तो मेरे को कोई बाय दे सकता है पर फिलहाल अभी सेलिंग है अच्छा मेरे को ये बताइए क्या सेलिंग इसकी ये क्लाउड अच्छा बना हुआ है कि खराब है बताएं जिसको भी पता है अच्छा नीचे वाला डाउन है और क्या क्लाउड तो बहुत अच्छा बना हुआ है ये देखिए यहाँ पर देखिए ये फ्लैट है और डाउन में ये फ्लैट है ठीक है और ये आपका डाउन में है तो आपका बिल्कुल सही पोजिशन पे बना हुआ है सेलिंग जोन सेलिंग जोन है देखिए एयर भी आपके पास दोनों डाउन में अच्छा एंगल बना हुआ है तो ये सेलिंग में है अभी फिलहाल लेकिन अभी दोनों की कंट्रोवर्सी चेक करो ये आपको एक घंटे में बोल रहा है कि बाय आ सकता है लेकिन बाय आएगा कब ये भी सोचे बाय आएगा कब जब इसके ऊपर रुकेगा राइट अभी ये भी पॉसिबल हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में से यहां से लेके पूरा नीचे गिर जाए इसको सर टेस्ट करने जा रहा है इसको हाँ जी तो आपको बाय कब करनी है आपको बाय करनी इसके ऊपर ही है क्लियर है बाय इसके ऊपर ही करना है अगर आप थोड़ी सेफली ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा बाय उसके ऊपर ही करना पड़े तो थोड़ा सेफ रहेंगे तो आप आराम से अपनी बाय उठा पाएंगे इसके ऊपर देखिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं और स्टॉक देखते हैं देखिए दो हमने ऑर्डर डाल चुके हैं जब भी हमें मिलेंगे हम रख लेंगे आराम से शाम को बैठिए देखिए आप शाम को बैठिए और आराम से चेक करिए ONGC कहां पर जा रहा है जरा बताएं ONGC कहां जा रहा है चेक करके मेरे को बताएं कौन बताएगा जल्दी से बताएं ONGC कहां पर जा रहा है जल्दी जल्दी यस जल्दी से बताएं ONGC कहां जा रहा है एनालिसिस आपको करना है साथ साथ में मेरी खाली मैंने नहीं करना है एनालिसिस आप लोगों ने भी करना है उतना ही ठीक है जिससे हम स्टॉक भाई खाली मेरी मर्जी से स्टॉक नहीं होंगे मर्जी से आपकी भी होंगे वो तभी तो हम अच्छे स्टॉक निकाल पाएंगे सर ये रेजिस्टेंस दे रहा है ONGC जो है ना वन आवर टाइम फ्रेम में पेपर से रेजिस्टेंस दे रहा है जरा इसको एक चीज और समझिए ONGC को क्योंकि हम सारी चीज देखते हैं तो उस टाइम पर जरा हमें थोड़ा इश्यू हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि हम एक ही चीज पर स्ट्रिक्ट नहीं होते अब जरा मेरे को बताइए यहां पर क्या हो रहा है यस और अच्छा रिफाइन करते हैं तो मैं और रिफाइन कर देता हूं इसको यहां से बताइए यहां क्या हो रहा है यस क्या हो रहा है रेजिस्टेंस मिल रहा है इसे बड़ा अच्छा था ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है और अभी ये आपका बाइंग में एकदम से नहीं आया हालांकि इसका सपोर्ट मेरे को दो मिल रहे हैं अगर मैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की बात करता हूं या मैं इसके सपोर्ट की बात करता हूं ONGC का तो मेरे को दो सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं ये वाला है राइट
ये सपोर्ट एक बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पर डिफाइन हो रहा है एक, और दूसरा सपोर्ट हालांकि ये है नहीं पर फिर भी आप इसको छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट मान सकते हैं। ये देखिए कितने सपोर्ट मिल रहे हैं जरा बताइए इसको, अभी फिलहाल कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला ये दो पाइप मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा आप जरा इसको समझे, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये चेक कीजिए इतने सारे जो हिजिंग बना रहा है ये क्या कर रहा है, इस समय देख रहे हैं क्या कर रहा है, इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट और यहाँ पे डबल सपोर्ट हो जाएगा ट्रेंड लाइन का भी और सपोर्ट का भी। अब ये चीज समझिए कि मार्केट ने, मैंने बोला ना एक बार अगर यहाँ पर इस पे बनाया है अपना एंड वेव तो उस पे सपोर्ट लेने जरूर आता है, आ चुका ना देखिए सपोर्ट लेने, राइट आ चुका है सपोर्ट लेने, इसका मतलब अब इसको ऊपर जाना है। अब अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूज योर ट्रेंड लाइन, खत्म। सर मंथ में ब्रेक किया हुआ है सर, मंथ की ट्रेंड लाइन ब्रेक करी हुई है लेकिन आपका डे की ट्रेंड लाइन पे आया नहीं है, अभी देखिए डे की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मैं ये अभी। यस सर। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर, इसका मतलब अब आपको कब बाय करनी चाहिए बता दें, वन आवर का ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो बाय है सर, कम से कम एक घंटे की ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर रही है तब तो मैं इसको बाय करूंगा, बाय में ही है इस समय, देखिए बाय में ही है ONGC और ये बाय में ही जाएगा, इसके बायर सेलर जरा चेक करें, बायर सेलर क्या अलाउ कर रहे हैं आपको जरा बताएं, यस और नो, नहीं ना अभी नो, 21 लाख आपके बायर है और 44 लाख सेलर है, सेलर से सर 1:2 हाँ, अभी मेरी कहते सिल्वर देखे निकल गया है, सिल्वर भी निकाल दिया मैंने, ये देखिए कहाँ गया सिल्वर, सिल्वर आपके पास ये देखिए 113 रुपए एक दे गया और 82 रुपए, चलो 200 रुपए ये दे गया, हमने निकालना था हमने निकाल दिया, तो आज के हमारे कितने हो गए हैं पैसे, लगभग 300-350 रुपए हो गए, ये तो नहीं और भी ज्यादा ही हो गए, ठीक है ये कहां तक पहुंच गया देखिए, मैंने इसको PNB देखिए आज मॉर्निंग में मैं 3000 रुपए का प्रॉफिट ले सकता था, जब आपने इसको देखा था तब भी 1500-1700 का प्रॉफिट चल रहा था, मैं इसको नहीं ले रहा हूं प्रॉफिट देखिए, मैं इसको छोड़ के रख रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है इस मार्केट में शूट करना है ऊपर, ठीक है, PNB को मैं सबको बोल रहा हूं लेके रख सकते हो आप, इसको रखिए लेके तो आपको फायदा देगा ये आने वाले टाइम में, और क्यों फायदा देगा इसको जरा एनालाइज करके देखिए अपने पार्ट में, ठीक है जो घोटाले हुए अपनी जगह पर, देखिए मेरे सब ऑर्डर यहाँ पर सेलिंग के लगे हुए अलग अलग पोजीशन में, ये प्रॉफिट देंगे मेरे, अब ये कहां पर चलेगा बताए, या जरा मेरे को एक चीज दिखाता हूँ आपको PNB के केस में ही, वो आपको फायदा दिखाएगी, जरा उसको चेक कर ले आपके काम की बात रहेगी वो, ठीक है जो जो काम का होता है मैं आपको बताते जाता हूँ, यहां पर जरा मेरे को बताइए ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अभी PNB ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन पे है ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पर है, आपको कहां पर बाय करनी चाहिए, मैं इससे ऊपर आपको बाय करने को बोल रहा हूं, समझिए जरा किससे ऊपर, जब इससे ऊपर जाएगा पीछे से देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ ओके है कि नहीं है, ठीक है ये ट्रेंड लाइन ओके मिलनी चाहिए आपको तब जाके सही रहता है, बिल्कुल सही है सही बनी हुई है, इसका मतलब आपको कहां पर बाय करना चाहिए PNB को, अगर आप PNB को बाय करना चाहते हैं तो PNB को बाय करने का केवल एक सिंपल सी जगह है और वो जगह कौन सी है इसके ऊपर 48 के ऊपर 46 से ऊपर कहीं पर भी वहां पर आप बाय करके जा सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, मैंने तो बाय करके रखी ली है पर कोई इशू नहीं है, पर आपको अगर बाय करनी है तो आप थोड़ा और ऊपर वेट कर सकते हैं इसका, ठीक है कहां पर बाय करेंगे देखिए एनवे वेग पहली वाली ये सपोर्ट, उसके बाद दूसरी एनवे का सपोर्ट देगा ये रहा, मतलब ये सपोर्ट है राइट, चलेगा तब आपके पास एक अच्छे सपोर्ट पे आएगा, तब तक आप आराम से बैठे रह सकते हैं, ठीक है और चलिए स्टॉक देख लेते हैं, एक दो स्टॉक और भी देख लेते हैं मैंने और देखते, अच्छा ऐसे स्टॉक जो कि सेलिंग पे जा रहे थे देखिए कुछ ऐसे स्टॉक जो कि गिरे हुए जरा उनपे कुछ काम करते, मार्केट में ऐसे स्टॉक पे काम करते हैं जो गिरे हुए,
देखिए ऊपर कौन सा जा रहा है, डिविस प्लान। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 5-10 मिनट का, तो हम जरा ऐसे चेक करते हैं कि सेलिंग आई की नहीं आई। मैं लगा के दिखाता हूँ और आप इनको बताइए सेलिंग आई की नहीं आई इसके अंदर। सर एक बार आपने उसके स्क्रीनर की बात हुई थी जिसमें बड़ा डाउनफॉल किसी में आया हो तो फिर उसको वहां से पकड़ा जाए करके, ऐसे वो उसको कैसे स्क्रीनर में चेक करें? जैसे एक घंटे में बड़ा डाउनफॉल आया हो या एक दिन में? नहीं, उसको आप एक काम कर सकते हैं, उसको आप ये चेक कीजिए 3 रेड कैंडल कब बनी है बताए, मतलब इसका लो वन डे में, या फिर आप मंथ में चेक कर सकते हैं, मंथ का लो ये चेक कीजिए, ये मंथ के लो है, मैं इसे रेड से बना देता हूँ, आपको इश्यू होगा इससे, ठीक है? देखिए क्या हुआ, ये मेरा मंथ है, ये आपकी पहली कैंडल मंथ की, ये दूसरी कैंडल मंथ की और तीसरी कैंडल मंथ की। अब जरा बताइए इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये देखता हूं कि मेरा करंट मंथ का जो लो है वो पिछले मंथ के लो से नीचे होना चाहिए, राइट? मतलब करंट मंथ का जो लो है वो पिछले मंथ के लो से नीचे होना चाहिए, पिछले मंथ का लो उससे पहले महीने के नीचे लो से नीचे होना चाहिए, तो एक आपको सेलिंग मिल गई कि नहीं पूरे मंथ की, राइट या रॉन्ग? सेम केस अगर मैं डे में बात करता हूं तो डे में क्या हुआ, ये आपके पास एक कैंडल है, ये आपके पास दूसरी कैंडल है, ये आपके पास तीसरी कैंडल है, क्या मतलब हुआ? ये आपका देखिए आज का जो लो है वो कल के लो से नीचे होना चाहिए, कल का लो परसों के लो से नीचे होना चाहिए, मिल गया आपको डाउन ट्रेंड और डे का मिल गया, राइट करो बताए। डिवी स्लैब मैंने बोला था ये बड़ा अच्छा ऊपर जा सकता है, ये देखिए डिवी स्लैब है, अच्छी क्वांटिटी के साथ में ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसे आप लेके रख भी सकते हैं, इसे आप छोटी मोटी क्वांटिटी लेके रख सकते हैं, अच्छा ऊपर जा सकता है ये। अभी इसने ब्रेक किया था, मैंने पहले भी बोला था ये अच्छा ऊपर जाएगा, तो ये अराउंड आपका 50-60 पॉइंट अभी ऊपर है, इसने दोनों हाई ब्रेक करे हुए, देखिए अपने देख रहे हैं यहां पर, ये जगह आपको बहुत अच्छी मिलती है बाय के लिए। एक देखिए ऐसी जगह जब ब्रेक होती है, ये वाली जगह, ये जगह बहुत अच्छी होती है ब्रेक होने के लिए। अब अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले गया फिर आप दोबारा से एक नया बाय डालेंगे यहां तक, ये अब बाय आपको देखने को मिलेगा पूरा डिविस प्लेट में, ठीक है? तो थोड़ा सा रुक जाए और देखते हैं, देखिए और एक दो स्टॉक को देखते हैं जो कि गेनर है हमारे इसमें या लूजर है, लूजर या गेनर में देखते हैं। अब की बात करते हैं, अच्छा एक मिनट, ये जो स्कैनर की बात कर रहे हैं, स्कैनर की बात कर रहे हैं, जरा इसको चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको इश्यू रहेगा कि ये बना नहीं है। चार्टिंग में बनाइए आप आराम से, स्कैनर क्या होना चाहिए बताए, एक मिनट मिनट लगता है स्कैनर बनाने में, मिनट बस, ठीक है? बताइए क्या बोला मैंने, डे का लो चेक कर रहे हैं, क्या हुआ डे का लो लेस देन दोबारा से लो, क्या होना चाहिए यहां पर बताए, डे का लो लेस देन होना चाहिए कौन से लो से, वन डे एगो, राइट और रॉन्ग बताए? वन डे एगो का लो जो है वो कितने से होना चाहिए, 2 डे एगो, राइट? रन करके देखिए कितने स्टॉक मिल गए आपको, निफ्टी में लगा के देखिए इसको, निफ्टी ये रहा, रन करके देखिए निफ्टी में कितने मिल रहे बताए, आप ही बता दें, हिंदू यूनिलीवर देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कर रहा है, यस वनडे में चेक कीजिए क्या आपको कैंडल्स मिल रही है बताए, राइट या रॉन्ग बताए? ईवीएम ने बनाई अभी लेटेस्ट लो पुराने वाले लो से नीचे, पुराना वाला लो दूसरे वाले लो से नीचे, राइट बताए? तीन ही कैंडल हमने डाली है, इसको 4 कैंडल डाल दीजिए आप, एक और डालिए देखिए, यहां पर मैंने बोला यहां पर क्या आ जाएगा, यस कोई बताए, 2 डेज एगो और यहां पर कितना आ जाएगा, 3 डेज एगो, रन करके देखिए कितने स्टॉक, एक भी स्टॉक नहीं है क्योंकि बेयरिश नहीं है, आप बताए? अगर मैं इसी को ही बुलिश फॉर्म में डाल दू, उल्टा डाल दू, तो देखिए क्या हुआ, मैंने ग्रेटर रन कर दिए सबको, सबको ग्रेटर रन कर दिए, क्या मिला मेरे को, रन करिए क्या कैंडल मिल जाएगा, सारे मिलेंगे। टाटा स्टील को चेक कीजिए, देखिए दिखाता हूं आपको, क्योंकि बियरिश नहीं है अभी स्टॉक, इसलिए आपको नहीं मिल रहे, ये देखिए मिल रही है तीनों की तीनों भी बताए, और देखिए इन्फोसिस इन्फी चेक कीजिए, इन्फी क्या कर रहा है, इन्फी को चेक करते हैं, ये देखिए तीनों हाई पे मिल रही है, और चेक कीजिए इन्फी के विप्रो,
विप्रो को चेक करो, क्या विप्रो भी मिल रहा है? ये रहा विप्रो, देखिए ये रहा, ये भी हाई से ऊपर है। और बताएं एलटी, एलटी चेक कर लेते हैं, एलटी क्या कर रहा है? ये देखिए ये भी हाई मिल रहा है आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये आपको स्किनर आराम से काम करते हैं, बस आपको केवल बनाना ही तो है। तो हमने कितने स्टॉक अभी रख लिए हैं अपने पास, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वापस दो अमराजा बैटरी वापस दो रुपए पे आ गया, पांच रुपए तक नुकसान दिखाया था पर फिर से दो रुपए पे आके बैठा हुआ, देख रहे। तो अभी आज हमारे पास क्या हुआ, आज हमने वो नहीं किया कि प्रॉफिट कर दिया दो चार हजार का, नहीं, आज हमने एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और वो नई शुरुआत क्या है हमारी, यस बताए कोई भी प्लीज, क्या है नई शुरुआत? एक क्वांटिटी लेना सर, यस। मैं आप, मैं देखिए मैं दो पांच में ये मेरे लिए काम है बिल्कुल, तो मैं दो पांच लेना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और आप क्या करें अपने हिसाब से उसको होल्डिंग में डालें। आप देखिए सबसे पहला और ये फील करके देखें कि भाई आपको डर लगता है कि नहीं लगता। सबसे बड़ी बात कि आपने अगर एक या दो क्वांटिटी ले ली है तो आपको डर लगता है अंदर से कि नहीं लगता। अब क्या आप इजीली मतलब सब काम करते हुए स्टॉक के साथ में हैंडल कर सकते हैं? नहीं समझे मेरी बात, क्यों आर्मी जी आई समझ में? जी सर, जी सर समझ में आ गया सर। मेरे को देखिए, मेरे को स्टॉक मार्केट को अपने जंजाल नहीं बनाना है, समझे जरा। स्टॉक मार्केट को मैंने अपना जंजाल नहीं बनाना है कि मैंने क्यों इसमें हाथ डाल दिया, नहीं। स्टॉक मार्केट में आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह काम करें। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिए ऐसा। अच्छा एक बार बताइए, क्या म्यूचुअल फंड खरीद के आप टेंशन में आ जाते, जरा बताइए मेरे को? नहीं ना, खरीद लिए खरीद लिए। आप बैंक में पैसा डाल के क्या टेंशन में आ जाते? नहीं आते ना। जब ना म्यूचुअल फंड में ना एसआईपी में कहीं पर भी आप टेंशन में नहीं आते तो स्टॉक के लिए मैं क्यों टेंशन पाऊं, मेरे को बताए। स्टॉक भी मेरा इजी होना चाहिए ना, तो स्टॉक को मैं कम क्वांटिटी के साथ में काम करता हूं। ठीक है, तो कम क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे तो आपको उससे क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा, आपको होल्डिंग पावर आएगी, डर खत्म होगा आपका सारा का सारा। ठीक है, और एक दो स्टॉक देख लेते हैं जो हमारे पास आ रखे हो, और मैं गिरे हुए स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूं। कौन से आ रहे हैं बताएं? एचडीएफसी लाइफ है, टाइटन, टाइटन, टीसीएस, ब्रिटानिया, मारुति, मारुति भी गिरा हुआ है, टाइटन, टीसीएस, ब्रिटानिया। जरा टाइटन को चेक करते हैं, शायद टाइटन में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यस, टाइटन गिर रहा है, देखिए अच्छी अच्छी जगह आ रहा है। अच्छा अरे इसका सपोर्ट बताए जल्दी से, कोई भी मेरे को बताए इसका सपोर्ट कहाँ है टाइटन का, कहाँ था और कहाँ आप मिलेगा? सर नीचे सर, ग्रीन कैंडल से। यस, आप देखिए इसका सपोर्ट कहाँ था, इसका सपोर्ट यहाँ का ही था ना ऊपर। यस सर, वो तोड़ दिया सर, तोड़ दिया। तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, ये लो, ये लो इसका सपोर्ट है, ये रहा है इसका। अगर उसको भी तोड़े थे और लंबा गिर सकता है सर, अगर उसको तोड़ दिया, अगर उसको तोड़ दिया तो आपको बहुत प्यारा मिल जाएगा। तब तो ये है सीधा ये बैठा हुआ, तो मतलब अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ तक आपको बहुत प्यारा डाउन है, और ये अच्छा सपोर्ट है देखिए, राइट। और ये सपोर्ट भी यहां पर नहीं मिलेगा आपको, ये सपोर्ट यहां मिलेगा, ये बैठा हुआ है सपोर्ट। तो आप चेक कीजिए, अगर आपको ये टूट गया सपोर्ट, बस वेट कीजिए कि यहां से वापस चले। एक बात और कि अगर यहां से वापस चलेगा, कितने पॉइंट गिरा है जरा इसको समझिए, 1790 से और ये अभी तक आ रखा है 1724, क्लियर है? अब जरा इसको वन आर में जाके चेक कीजिए, वन आर में क्या कर रहा है बताएं? यस, ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका ना अपना, राइट और कर चुका है अपना ब्रेक। अब बताइए इसका सपोर्ट कहां पर इसे मिल सकता है? बहुत अच्छा सपोर्ट इसे यहीं नीचे मिलेगा, तो कोशिश करें इसको नीचे ले। और इसको आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, इसको अपने क्लाउड बेस पर बाय कर सकते हैं। देखिए क्लाउड बेस पर देखें कि क्या बाय हो रही है या नहीं हो रही है, बताइए क्या बाय में आ रही है? नहीं सर, क्लाउड का नीचे आ गया सर, सेलिंग जोन में, तो क्लाउड के नीचे। और यहां पर क्या हो रहा है जरा बताइए, यहां पर चीगो स्पैन ब्रेक कर रही है नीचे, क्लाउड का अंदर आने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो सेलिंग का, ये तो अभी सेलिंग का जोन है सारा का सारा, पूरा सेलिंग का जोन बना हुआ है। अब देखिए, अच्छा एक चीज और चेक करना कि जब कभी भी
जब कभी भी जो कैंडल ये चिकुस पैन होती है यहां से निकलती है तो यहां से क्लाउड तक आने में ये रेड क्लाउड बना देगी, ध्यान रखना। मतलब अब इसका आपको वेट करना है कि क्या रेड क्लाउड बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि बहुत चौड़ा क्लाउड है अभी। और चौड़े क्लाउड का मतलब क्या है कोई बताइए जरा मेरे को, मतलब क्या है चौड़े क्लाउड का? अगर एक चौड़ा क्लाउड है, बहुत वाइट क्लाउड है, इसका मतलब ज्यादा नीचे नहीं आएगा सर। यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि इसके ऊपर सपोर्ट ले जाएगी या इसके ऊपर सपोर्ट ले जाए, पॉसिबल हो सकता है। ये रिवर्स भी मार सकता है। हाँ, रिवर्स कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैंडल नीचे खुल जाए, नंबर एक नीचे कैंडल खुल जाए, नंबर एक। दूसरा, आपके पास ये आपका श्रिंक होना शुरू हो जाए, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाए, ये मैं ध्यान रखूंगा इसका, ठीक है। और कौन सा बोला था हमने, एलटी नहीं, टाइटन था, टीसीएस और एलटी। टीसीएस को भी चेक करते हैं, टीसीएस क्या कर रहा है, ठीक है। टीसीएस को भी देख लेते हैं, टीसीएस क्या कर रहा है। टीसीएस को जरा मंथ में चेक कीजिए, मंथ में फिलहाल बुलिश ही है ये, ठीक है। और इसमें चेक करें, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा बताइए, टीसीएस सेलिंग में आया है बाइंग में आया अभी, जरा बताएं जल्दी से, चेक करके बताएं जरा। पिछले डे का लो को ब्रेक किया सर, सेलिंग में लो को ब्रेक किया है या सेलिंग में आ चुका है, ये देखिए, राइट। अब आप क्या बेसलाइन तक आ सकता है सर, बेसलाइन तक आपका सेलिंग करके देखते हैं, अगर करने देगा मेरे को तो वैसे करने नहीं देगा, मेरे को पता करने नहीं देगा, करने दे तो बहुत ही अच्छा है, पर मना कर देगा मेरे को, अमाउंट मैंने उसमें सीएनजी में होता है तो इसलिए जीडीटी आर लगा है ना सर, इसलिए नहीं देगा, और इसलिए मना कर रहेगा करेगा, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं। कैपिटल कम रहेगा तो ले लेगा तो अच्छी बात है। ये देखिए टीसीएस ले लिया, ले लिया अभी चाहे टीसीएस, अच्छा है ये, कहना मानता है। अच्छा बताइए, अभी स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए जल्दी बताइए, फायदा नुकसान सब अलग चीज है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए? ये 42 और अराउंड 54 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, क्लियर है, कहाँ पर 54 पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे हम, 54 पे, 52 पे कर देते हैं, 52 पे स्टॉप लॉस कर देते हैं, ये ऐसा हो गया। अब कितने रुपए दे रहे हैं आपको बताएं, रूल क्या है, रूल भी जरा मेरे को समझा दें, रूल बुक का रूल क्या है हमारा, 50 पॉइंट का 25 रुपए मिल रहा है तो निकाल देना सर, 100%। यस बिल्कुल, अगर आपको ये मिल रहा है उतने पैसे मिल रहे हैं जितने आपने लगाए हैं, ठीक है। देखिए 37 राइट, निकाल देना चाहिए, नहीं निकाल देना सर, 200% के ऊपर है सर, मिल गया, कैंसिल मारिए अपना इसको, ये हमने क्यों लिया बताए, ये हमने क्यों लिया था, पिछले डे का लो का ब्रेक किया सर, यस, इसका कोई दूसरा रीजन नहीं था, हमने कोई अलग से इंडिकेटर नहीं देखा, हमने केवल ये देखा पुराने डे के लो को इसमें ब्रेक किया और अच्छी सेलिंग हमने किया था, ये चीज लास्ट टाइम भी किया था और अभी भी डाउन में आएगा ये नीचे, तो हमने देखा यहाँ से हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिली, कम से कम कन्वर्जन लाइन तक आएगा सर, कन्वर्जन लाइन तक का तो इसका सपोर्ट है ही है, वहां तक तो इसको आना ही आना है, और अगर कन्वर्जन लाइन से नीचे चला तो यहां तक है बेसलाइन तक। तो हमने भाई हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आज हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम कर रहे हैं। अच्छा, अमराजा बैटरी ने कितना नुकसान दे दिया मेरे को बताएं, 30 पैसा 70 पैसे इन्वेस्टमेंट रखा ना मैंने, ठीक है। बस ये बात समझिएगा कि दो क्वांटिटी कितनी होती है, दो क्वांटिटी मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मेरे पास 1.5 लाख रुपए यहाँ पर पड़ा है, मैं और डाल देता हूँ इसमें, 2-3 लाख रुपए और डाल देता हूँ, लेकिन मेरे 2-3 लाख रुपए डालने से आपका पर्पज सॉल्व होता है क्या मेरे को बताएं, यस जल्दी से बताएं प्लीज, नहीं होता है, नहीं होता है भाई, मेरे अकाउंट में पड़े होंगे कम से कम 30-40 लाख रुपए पड़े होंगे, अगर 30-40 लाख में से अगर मैं 3-4-5 लाख रुपए यहाँ पर डाल देता हूँ तो आपका पर्पज कोई सॉल्व नहीं होता ना, नहीं होता है। आपका पर्पज सब सॉल्व होता है अगर मैं अगर आपको आपके लेवल पर आके आपकी क्वांटिटीज बाय करके शुरू करता हूँ आपके साथ में काम, तब आपका पर्पज सॉल्व होता है, और इसमें हम प्रॉफिट निकालना शुरू करें तो मेरा पर्पज सॉल्व होता है, तो क्यों नहीं हम ऐसे ही करते, राइट, तो हम ऐसे ही करते हैं।
देखिए अभी कितना मैंने कुछ और निकाल दिया, 26,000 और आ गया मेरे पास यहाँ पर बन गया, ठीक है। अभी कितना है, अराउंड 1 लाख के आसपास होगा इन्वेस्टमेंट, 123 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम इस रखे हुए हैं, ये देखिए ये भी प्रॉफिट में आएगा। अब हम होल्डिंग पे चल रहे हैं, ये हमारे पास होल्डिंग है। और कोई स्टॉक आपको दिख रहा है बताएं जिसको हम ले सकते हैं? टेकम एचपी और सर ब्रिटेनिक, यस कौन सा जल्दी से बताएं? ब्रिटेनिया, देखें ब्रिटेनिया पर बात करते हैं। यस, क्या ब्रिटेनिया ने अपना लो ब्रेक कर दिया? जल्दी से बताएं। यस सर, गार्ड उधर ही सपोर्ट ले रहे हैं सर। बहुत अच्छा, अगर ये ब्रेक हुआ तो सेलिंग आएगी, ध्यान दीजिए। केवल ज्यादा झंझट नहीं करने, इसको भी हटा दीजिए। आप बताइए इसकी सेलिंग कहां पर बनती है? रूल के अकॉर्डिंग, रूल इज रूल। पिछले डे का लो सर, ग्रीन कैंडल के यहाँ पर लो है। अब या तो आप इसको ये बांध लीजिए यहाँ पर, अब चूंकि ये बन चुका है तो आप यहाँ पर लो बांध, अब आपके पास ये जोन है देखिए, और इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर इसके नीचे आपका कैंडल कोई भी खुल जाती है तो समझ लीजिए आपकी सेलिंग आ गई, और एक लंबी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको बोला ना मार्केट क्या करता है, मार्केट एकदम से किसी लेवल को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ रहा ना, यही घूमता रहेगा मार्केट, यही घूमता रहेगा। उसके बाद देखिए, अब जरा पेनिट्रेशन का लेवल जरा मेरे को बताइए, कौन बताएगा पेनिट्रेशन का लेवल क्या है? पिछली बार पेनिट्रेशन यहाँ, इस बार पेनिट्रेशन यहाँ, क्या मतलब? थोड़ा बाहर आया सर, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम तोड़ेगा सर। अब बस आप इस बार तोड़ देगा सर आपके हिसाब से? यस, अब की बार ये नीचे आएगा। यहाँ पर आप अपनी ट्रेंड लाइन डालिए, यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन डालिए, भले ऊपर निकल जाए कोई फर्क नहीं है ये, लेकिन अगर ये जाएगा लो तो मेरा ये ब्रेक करता हुआ जाएगा, राइट। यहाँ पर चेक के लिए इसके बायर सेलर क्या बोल रहे हैं, 57 और 64, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए कि कहां चलता है ये। और अगर इसके नीचे आया तो इसके नीचे लंबी सेलिंग आपको देखे जाएगा, आज ही देगा फिर ये कल दे देगा, राइट है। चलिए लाइव ट्रेडिंग को फिर मैं यहां पर रोकता हूं एक बार, आप बस इसको चेक करते रहिए। मार्केट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली बार अगर इसका यहां पर चेक करते हैं तो पिछली बार पेनिट्रेशन लेवल क्या था, देखिए पिछली बार सपोर्ट लेवल बना था, राइट, उसके बाद पेनिट्रेशन लेवल बन रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। और मार्केट को अगर ऊपर जाना है रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल के अकॉर्डिंग कहां तक जाना चाहिए मार्केट को ऊपर? यहां तक ना, या कम से कम यहां तक तो निकलेगा, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ फिर क्लास को अभी, यहाँ पर फिर मिलते हैं हम लोग। ये ब्रिटानिया है ना? हाँ ब्रिटानिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर एक थैंक यू सर, देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो एक जगह है इसके ऊपर जाने की, एक जगह इसके ऊपर जाने की है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर इसको ऊपर में जाना है। ये वाला अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके निकला और बायर ज्यादा हो गए तो आपको एक बाय भी देगा यहाँ तक का, ठीक है। चलिए मैं रुकता हूँ, फिर मिलते हैं।